बद्रीनाथ धाम के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। शनिवार को 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। तो वहीं भगवान बद्री विशाल के मंदिर को 10 से 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। अंतिम दिन 10 से 12 हजार तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी 18,25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। तो यहां आप देख सकते हैं किस तरह फूल मालाओं से पूरे परिसर मंदिर परिसर को सजाया गया है। और कपाट बंद होने से पहले भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़े। और अब बात तमिलनाडु की, जहां 15 फीट का कोबरा एक फैक्ट्री में घुस गया। उसके बाद तो हड़कंप ही मच गया। बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कोबरा ने उन पर हमले की कोशिश की। देखिए, कोबरा ने मचाई दहशत। फैक्ट्री में पहुंचा 15 फीट का कोबरा। तमिलनाडु के तेनकासी जिले की एक फैक्ट्री में विशालकाय कोबरा घुस आया। वहीं पर काम करने वाले एक श्रमिक की नजर उस पर पड़ी तो उसके हाथ पांव फूल गए। इसके बाद फैक्ट्री के दूसरे लोगों ने देखा तो वो भी खौफ में आ गए। अब 15 फीट का कोबरा फैक्ट्री में दाखिल हो चुका था तो उसे बाहर कैसे निकाला जाए। जिसके बाद लोगों ने वन विभाग को कोबरे की सूचना दी। वन विभाग की टीम भी बिना देर किए मौके पर पहुंची और कोबरे का रेस्क्यू शुरू कर दिया। वन विभाग के कर्मचारियों ने कोबरे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोबरा अचानक हरकत में आया और हमला करने के लिए आतुर हो गया। वन कर्मियों ने कोबरे के आक्रामक होते ही उसे फिर से जमीन पर छोड़ दिया। क्योंकि वह हाथों से छिटक चुका था, सभी उससे दूर भागने लगे। उसके बाद तो कोबरा फन फैलाने लगा जैसे कि अब वो डस ही लेगा। वो जंगल की तरफ भागने लगा। वनकर्मी उसकी हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए थे। उस पर काबू पाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा था। वो घने पेड़ों की तरफ चढ़ाई पर चढ़ता जा रहा था, जिससे लग रहा था कि इतने विशालकाय कोबरे को पकड़ना अब बूते में नहीं। लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों ने हार नहीं मानी और आखिरकार कोबरे पर काबू पा ही लिया। उसको पकड़कर ही दम लिया। तेनकासी के गोविंदा बेरी इलाके में ये फैक्ट्री पड़ती है, जो कदियम नगर पालिका के अंतर्गत आती है। लेकिन इतनी देर में कोबरे ने दहशत जरूर मचा दी थी। कोबरे के काबू में आने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। वन विभाग इतने विशालकाय कोबरे का रेस्क्यू करने में कामयाब रहा। बाद में उसे एक बोरे में डालकर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो खबर असरदार में मेरे साथ यानी अपर्णा के साथ फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।